नमस्कार, एनएमसी न्यूज में स्वागत है। मैं हूँ कृष्णा चतुर्वेदी और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। धर्मांतरण कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया गया। भाजपा ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी तय किए। बृजभूषण यौन उत्पीड़न केस में 18 को तलब किया गया। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रायपुर में भाजपा की संकल्प रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दागदार दामन वाले लोग साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो कभी एक दूसरे को कोसते थे वह एकजुट होने की बात कर रहे हैं। ये लोग जो साजिश भी रचेंगे, लेकिन वह नहीं जानते हैं कि जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी कि गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। वो गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने याचिका दायर कर फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इस बीच फैसले आने के बाद कांग्रेस ने 12 जुलाई को देश भर में मौन सत्याग्रह का फैसला किया है। धर्मांतरण कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया गया है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यह नेटवर्क धर्मांतरण कराकर जिहादी ही बनाता था। शुरुआती जांच में युवती समेत 4 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। भाजपा ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारी तय किए हैं। भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को केंद्रीय प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के केस में 18 को तलब किया गया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की यौन उत्पीड़न मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र संज्ञान लिया है। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य को 18 जुलाई को तलब किया है। इसी तरह से देश विदेश की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए एनएमसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।